विश्व जल दिवस 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे। दोस्तों हर साल 22 मार्च को पूरे विश्व में विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो इसी के बारे में अभी हम लोग देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है, साथ ही साथ इस वर्ष का थीम क्या है, यानी कि 2024 का जो थीम है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ थीम के साथ मनाया जाता है और यह थीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा। साथ साथ यह कब से मनाया जाने लगा ये भी यहाँ पर देखेंगे और कुछ चीज़ों को भी देखते हुए चलेंगे, ताकि हम लोगों को यहाँ से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं वो हम लोगों को पता चल सके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विश्व जल दिवस 22 मार्च को जो मनाया जाता है और यह इम्पोर्टेंट डेज में से आता है, तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग ये जानेंगे सबसे पहले कि 22 मार्च को तो विश्व जल दिवस मनाया ही जाता है, इसका उद्देश्य क्या है जो हम लोगों को जानना है। तो यहाँ पर है, दुनिया के लोगों को जल के महत्व और संरक्षण के प्रति जागरूक करना, दुनिया के सभी देशों में स्वच्छ और सुरक्षित जल को पहुंचाना है, साथ ही जल के संरक्षण पर भी ध्यान देना है। तो ये जो है इसका उद्देश्य है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं यहाँ पर, उनको जल का महत्व के बारे में, यानी कि इम्पोर्टेंट क्या है इस वाटर का, जल का, वो भी बताना है। साथ साथ में जल का संरक्षण किस प्रकार से करना है वो भी यहाँ पर हम लोगों को बताना है, लोगों को जागरूक भी करना है, क्योंकि जल का संरक्षण बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी में जल जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन पीने के लिए जो है स्वच्छ पानी बहुत ही कम है, तो यह एक चिंता का विषय है, इसीलिए जल का संरक्षण करना बहुत ही ज़रूरी है। और दुनिया के जितने भी देश हैं वहाँ पर स्वच्छ जल सभी को मिले, जीव जंतु जानवर और साथ ही साथ में मानवों को भी मिले, तो इसीलिए स्वच्छ जल मिलना चाहिए और सुरक्षित जल को भी जो है लोगों तक पहुँचाना है, यानी कि जीव जंतुओं जो भी जीवित प्राणी हैं उन लोगों तक पहुंचाना है, तो इसी का उद्देश्य है, ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और हम लोग ये भी जानेंगे कि जल का संरक्षण किस प्रकार करना है, ये भी लोगों को बताना है और अपने आप में भी ध्यान देना है। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसका उद्देश्य, जल का जो महत्व क्या है इस दैनिक जीवन में, ये आप लोगों को पता है ही, साथ साथ में हम लोग को लोगों को जागरूक करना है और अपने आप में भी जागरूक रहना है। और दुनिया में तो इतने सारे देश हैं, यहाँ पर लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल पाती है, सुरक्षित जल नहीं मिल पाती है, इसी कारण से बीमारी भी बहुत ज़्यादा होती है लोगों में और साथ साथ पशु पक्षियों में, जीव जंतुओं में भी होती है। तो लोगों को स्वच्छ जल और सुरक्षित जल भी मिले, इसको भाई हम लोगों को ध्यान रखना है और साथ साथ जितने भी हमें जल प्राप्त होती है उसका सदुपयोग भी करना है, इस प्रकार से इन चीज़ों को लेकर के हमें सतर्क रहना है। अब दोस्तों देखते हैं कि इसको मनाने की शुरुआत कब हुई है, तो इसको मनाने की जो शुरुआत हुई वह 22 मार्च 1993 से, यानी कि 1993 से इसको मनाने का स्टार्ट किया गया है, इससे पहले यह नहीं मनाया जाता था। तो हम लोगों को जो ध्यान रखना हुआ है कि 22 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन स्टार्ट हुआ है यह 1993 से, ये भी हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों कि स्लोगन, कुछ स्लोगन है जो कि आप लोग सुनते हैं, देखते हैं, जो कि वाटर से रिलेटेड है, यानी कि जल से रिलेटेड है, और यह कितना इम्पोर्टेंट है वो आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर, जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ, यह देख सकते हैं आप लोग कि जल ही जीवन है, अगर जल नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो जल के बिना संभव ही नहीं है, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है। साथ ही साथ जल है तो कल है, इफ़ वाटर इज देयर देयर इज फ्यूचर, अगर जल आज है तो हम लोग जीवित हैं, तो हम लोगों को कल का जीवन देखने मिलेगा। तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि यह जो स्लोगन दिया हुआ है यह कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर जल है तो हम लोग हैं, यानी कि हम लोग कल जी सकते हैं, कल का दिन देख सकते हैं, इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर और भी है, जल बचाने का करो जतन, यह है जीवन का अमूल्य रत्न। देखिए जल बचाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन जीने के लिए एक अमूल्य रत्न है, बहुत ही यह महंगा चीज़ है, आप लोग समझ सकते हैं अमूल्य रत्न है, इसका कोई मोल नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को जल बचाने का जतन करना चाहिए, यानी कि हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, ये इस स्लोगन में बताया जा रहा है। जल की होगी बर्बादी तो नहीं होगी कोई आबादी, देखिए अगर जल बर्बाद होगा तो जीव जंतु पनप नहीं पाएंगे, हम लोग मनुष्य अपना जीवन जो है उसको भी जी नहीं पाएंगे, तो इससे हम लोगों की कोई आबादी नहीं रहेगी, हम लोग सब के सब मर जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ समझ सकते हैं इस स्लोगन का कि जल की अगर होगी बर्बादी तो कोई आबादी नहीं बढ़ पाएगी। सब मिलकर करो सहयोग, पानी का ना करो दुरुपयोग, हमें सब लोगों को मिलकर के सहयोग करना है कि पानी को किस प्रकार बचाना है, पानी का संरक्षण कैसे करना है और पानी का दुरुपयोग नहीं करना है हम लोगों को, ये भी इस स्लोगन में बताया जा रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं इसका इम्पोर्टेंट कितना है, इसके अलावा में भी आप लोग बहुत सारे स्लोगन्स को देख सकते हैं और उसका जो है महत्व को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिया, तो आप लोग ये जान ही सकते हैं कि किस प्रकार से इसका महत्व है। जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल बचाने करो जतन, ये है जीवन का अमूल्य रत्न, जल की होगी बर्बादी तो
तो नहीं हो कि कोई आबादी, सब मिलकर करो सहयोग, पानी का ना करो दुरुपयोग, ये तो आप लोग देख ही लिए। तो पानी के बिना में हम लोग के बहुत सारे काम होते हैं, ये तो आप लोगों को मालूम होगा ही। लेकिन स्वच्छ जल जिससे कि हम लोग पी करके अपना जीवन को बचा सकते हैं, तो इस प्रकार का जल बहुत लोगों को, बहुत देशों में, बहुत ही जीव जंतुओं को नहीं मिल पाती है। तो इसी कारण से हमें जल को बचाना बहुत ही आवश्यक है। अब दोस्तों, कुछ ना कुछ थीम के साथ में हर साल मनाया जाता है, तो हर साल कुछ ना कुछ थीम रहता है। तो इस साल का जो थीम किया है वो, यानी कि 2024 का थीम किया है, वो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो अभी आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए हम लोग थीम के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर 2024 का जो थीम हुआ है, वाटर फॉर पीस, यानी कि शांति के लिए जल, यह है इस वर्ष का थीम। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। कहीं कहीं पर आप लोगों को इस प्रकार का भी एक थीम दिख सकता है, तो वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 2024 का जो थीम है वह है वाटर फॉर पीस, शांति के लिए जल। देखिए आप लोग यहाँ पे इस थीम का मीनिंग समझ सकते हैं, जो है जल का मारामारी अब होने लगा है, पृथ्वी में स्वच्छ जल मिलने नहीं लगा है। तो अगर स्वच्छ जल मिलेगा तो लोगों में शांति होगी, और अगर स्वच्छ जल नहीं मिलता है तो लोगों में मारपीट होती है, लड़ाई झगड़ा होते हैं। तो इसीलिए इस थीम को सोच करके बनाया गया है कि जल अगर स्वच्छ जल मिलता है तो लोगों में शांति होगी। तो इस प्रकार से इस थीम को हम समझ सकते हैं कि वाटर फॉर पीस, यानी कि शांति के लिए जल, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं पिछले साल का जो थीम, यानी कि 2023 का थीम क्या था, हुआ था एक्सेलरेटिंग चेंज, यानी कि परिवर्तन में तेजी, यह था पिछले वर्ष का थीम। लेकिन हम लोगों को याद रखना है 2024 का थीम को, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ जल संरक्षण करने के उपाय, जो कि आप लोग यहाँ समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक देखते हैं यहाँ पर। मानव की पहली प्राथमिकता जल संरक्षण होनी चाहिए। तो ये तो जो है वो तो है ही कि जल संरक्षण करना मानव के लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, साथ साथ स्वयं के साथ साथ अन्य लोगों को पानी के महत्व को बताना और समझाना। लोगों को अपने साथ साथ पानी का जो महत्व है वो बताना है, और लोगों को समझाना है कि किस प्रकार से पानी का उपयोग करना है, नहीं करना है, कम करना है। और अगर कुछ हो जाता है, पानी कम हो जाता है या गंदा पानी मिलता है, तो हम लोगों को उससे क्या क्या प्रभाव हो सकता है वो भी बताना है। जनसंख्या और औद्योगिकरण पर नियंत्रण, अगर हम लोग जनसंख्या और साथ साथ औद्योगिकरण पर नियंत्रण करेंगे तो हम लोगों को हो सकता है स्वच्छ पानी मिल जाए, और स्वच्छ पानी मिलने से हम लोगों की जो जीवन शैली है वह अच्छी तरीके से बढ़ सकती है, ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है। तो इसलिए हम लोगों को पॉपुलेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ध्यान रखना है, ये भी आप लोग कर सकते हैं जल संरक्षण के उपाय में। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जल का अनावश्यक उपयोग को कम करना है, यानी कि हम लोग जितना यूज कर सकते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन हम लोगों को व्यर्थ में पानी का उपयोग को नहीं करना है। जितना हो सके हम लोगों को कम यूज करके स्वच्छ जल को बचाना है, और उसका हम लोगों को अच्छा से यूज करना है स्वच्छ जल का। तो अनावश्यक उपयोग को हम लोगों को कम कर देना है या नहीं ही करना है। पानी की बर्बादी को रोकना, हम लोग देखते हैं कि बहुत जगहों पर पानी की बर्बादी हो जाती है, तो उस पानी की बर्बादी को रोकने के कुछ उपाय करने चाहिए, या फिर अपने स्तर से जो भी हो पाती है उस पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए। साथ साथ वर्षा जल संग्रहण, ये भी हम लोग जानते हैं कि वर्षा का जो जल होता है वह बहुत ही शुद्ध टाइप का होता है, तो वर्षा जो जल है उसका संग्रहण करना है, उसको जमा करना है, ताकि हम लोग कुछ ना कुछ काम में लगा सकें। तो हम लोगों को वर्षा जल संग्रहण है उसको भी करना चाहिए, क्योंकि वर्षा का जल जो है वह नालियों से होते हुए वह नदियों में बह जाती है, तो फिर हम लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो इसी प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि वर्षा जल संग्रहण भी हम लोगों को करना चाहिए। और दोस्तों सबसे जो मेन चीज़ है वह तो मानसिकता है, मेंटेलिटी है, कि अगर हम लोग मानसिक रूप से मजबूत रहें और हम लोग सोच लें कि हम लोगों को जल संरक्षण करना है, यानी कि पानी की बर्बादी को रोकना है, हम लोगों को स्वच्छ जल रखना है, तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। कि हमें सबसे पहले तो मानसिकता को ही अपना चेंज करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा कि हम लोगों को जल संग्रहण करना है, ताकि आने वाला जो भविष्य है उसमें हम लोगों को पानी मिले। इस प्रकार का सोच को रख करके हम लोगों को काम करना चाहिए, तब जा करके हम लोग जो है आगे पीढ़ी में, यानी फिर हम लोगों का जो दैनिक जीवन है उसको हम लोग अच्छे से जी सकते हैं। तो मानसिकता भी एक बहुत ही अहम रोल है यहाँ पर, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वह है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह है कि थीम जो कि 2024 का थीम है वाटर फॉर पीस, यानी कि शांति के लिए जल, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि विश्व जल दिवस जो है वह हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड वाटर डे जो है वह हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है।